नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। फिलहाल चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के सबसे छठे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते होंगे या आपने ये न्यूज नहीं भी सुनी होगी तो आप गेस कर सकते हो कि वर्तमान समय में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो भारत के अंदर तेजी से अपनी संपत्ति को बढ़ाता चला जा रहा है और वो है, बिल्कुल सही कहा आपने, मुकेश अंबानी। तो देन द राइट आंसर मुकेश अंबानी होगा। इसकी तरफ लेके चलते हैं, लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी की तरफ लेके चलते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गौर से देखिएगा तस्वीर को। तस्वीर के जरिए अगर आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहेगी। ये है भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा। अशोक लवासा का नाम आपने तब भी सुना होगा जब 2019 में चुनाव आयोग द्वारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट दी गई थी। कई भाषणों में उन्होंने कुछ कहा होगा तो उस मामले में क्लीन चिट दी गई थी, तो इन्होंने उसका विरोध जताया था। फिर जब चुनाव संपन्न हो गए और उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी, तो उसके बाद इनके परिवार के ऊपर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आय से अधिक जुड़ी हुई संपत्ति के मामले नजर आए थे। ऐसे में अब चुनाव आयुक्त जो हैं आपके अशोक लवासा जी, नई खबर के मुताबिक अब ये आपके एडीबी में काम करेंगे, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम करेंगे। एशियाई विकास बैंक ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को 15 जुलाई 2020 को उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे और वो एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो रहा है। एडीबी ने अपने बयान में बताया कि एडीबी ने अशोक लवासा को प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बैंक में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। अशोक लवासा चुनाव आयोग से अपने कार्यकाल से पहले, अभी उनका 2 साल का कार्यकाल बाकी था, उससे पहले जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि इससे पहले नागेंद्र सिंह अपने पद से इस्तीफा दिया था और वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित हेग में जज नियुक्त हुए थे। आगे की जानकारी की तरफ चलें तो अशोक लवासा भाई एडीबी में सेलेक्ट हुए हैं उपाध्यक्ष के तौर पर, तो एडीबी की बात करते हैं। एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय मॉडलुएंग फिलीपींस में है। वर्तमान समय में मासासुगु आसाकावा जो है इसके अध्यक्ष हैं। जबकि चुनाव आयोग की बात करें तो भारत में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग जो है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसीलिए हर साल 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, ये 1989 तक एकल सदस्यीय आयोग रहा है, बाद में इसमें 3 सदस्य हो गए। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो वर्तमान समय में सुनील अरोड़ा जी हैं, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जैसे कि एक आपके यही हो गए अशोक लवासा जी और दूसरे हैं सुशील चंद्र जी। तो इस तरह से ये भारत का निर्वाचन आयोग हो गया। भारत के चुनाव आयुक्त के बारे में बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात करें, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि होता है और उसकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त और नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल 6 साल और 65 वर्ष होता है, जबकि जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, इनमें से जो भी पहले कंप्लीट होगा उस हिसाब से। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, मतलब बड़ा पद होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित कार्य होते हैं, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील और जिला परिषद के चुनाव की सत्ता या उनके जुड़े हुए कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। हम हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 2020 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम रही वो है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, यानी कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, ये इस बार की थीम रही। तो अशोक लवासा का नाम जरूर याद रखिएगा, अब ये एडीबी में उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पद पर बने रहते तो अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं और वहां से उनके पास पावर रहती। कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले वो इन्हीं की देखरेख में होते। अगली जानकारी है प्रज्ञाता।
प्रज्ञाता एक प्रोटोकॉल आप समझ सकते हो, एक दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। आप सभी को पता है कि देश में कोई स्कूल कॉलेज खुले नहीं हैं, सभी स्कूल कॉलेज अभी बंद चल रहे हैं। ऐसे में कई सारे छात्र प्रभावित हो रहे हैं। कई सारे स्कूलों ने क्या शुरू कर दिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया है, कोचिंगों ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर पूरे टाइम छात्र स्क्रीन के पास बैठे रहेगा या बच्चा स्क्रीन के पास बैठा रहेगा तो उसको अन्य कार्यों में दिक्कत आ सकती है, उसके जो शारीरिक विकास है उसमें रुकावट आ सकती है। तो ऐसे में एक गाइडलाइन जारी की गई है कि कितना समय तक बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस दी जानी चाहिए। जैसे कहा गया है, ये बताया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, इन दिशा निर्देशों के तहत कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों को प्रतिदिन ऑनलाइन पढ़ाई की समय सीमा तय की गई है। प्रज्ञाता का फुल फॉर्म किया गया है प्लान। पहले प्लान करो किस तरीके से पढ़ाओगे, फिर रिव्यू करो, फिर अरेंज करो, जो छात्र हैं उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है उसको अरेंजमेंट किया जाए, फिर गाइड किया जाए, बातचीत की जाए, फिर असाइन किया जाए, फिर ट्रैक एंड अप्रिशिएट किया जाए। इसी का संक्षिप्त रूप है प्रज्ञाता। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन दिशा निर्देशों के मुताबिक प्री प्राइमरी कक्षाओं यानी कि LKG और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्ले ग्रुप वाले, उनके लिए अधिकतम 30 मिनट की ही क्लास आप एक दिन में दें। यह समय सीमा अभिभावकों के साथ बातचीत और उन्हें निर्देश देने के लिए ही किया गया है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं घर में। उनको स्क्रीन के बारे में नहीं कहा गया, उनको नहीं कहा गया कि आप मोबाइल पकड़ के बैठाओ। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए या विद्यार्थियों के लिए 30 से 45 मिनट के अधिकतम 2 ऑनलाइन सत्र किए जा सकते हैं, जबकि 9 से लेकर 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 30 से लेकर 45 मिनट तक के 4 ऑनलाइन सत्र में पढ़ाई करवानी है। इससे ज्यादा पढ़ाई उनको ऑनलाइन मोड में नहीं करानी चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई के दिन राज्य अपने हिसाब से तय कर सकते हैं और जिस हिसाब से उन्हें पढ़ाई करवानी है वो करवा सकते हैं। ध्यान क्या रखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्री वर्तमान समय में कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। प्रज्ञाता क्या है? प्रज्ञाता एक गाइडलाइन है। किसने जारी की है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। अगली जानकारी है, आप सभी को पता है कि अमेरिका ने पिछले कुछ महीने पहले हुआवे को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। अमेरिका के प्रतिबंध के कारण हुआवे की जो टेक्नोलॉजी है वो सुरक्षित नहीं रही, ऐसा ब्रिटेन का कहना है। ब्रिटेन का कहना है कि इन प्रतिबंधों की वजह से हम ये जांच नहीं कर सकते कि हुआवे जिस तरीके की टेक्नोलॉजी हमें सप्लाई कर रहा है वो वाकई में सही है या सुरक्षित है या नहीं। मतलब इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा डेटा लीक हो जाएगा। हुआवे की बात करें तो हुआवे दुनिया की सबसे बड़ी स्विच गियर कंपनी है, स्विच गियर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। स्विच गियर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कहीं पर कॉल कर रहे हैं या मान लीजिए आप मुझे कॉल करेंगे तो कई सारे बीच में टावर आएंगे, कई सारा एक रिपीटर आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी और उन सभी टावरों से स्विच होते हुए आपकी कॉल मेरे तक पहुंचती है। तो ये जो स्विचिंग फिनोमिना है, ये जो स्विचिंग थ्योरी है, ये जो स्विचिंग फिनोमिना है, इसको काम करने वाली हुआवे विश्व की सबसे बड़ी और सर्वोत्तम कंपनी है। हाल फिलहाल सभी देश 5G नेटवर्क को अपना रहे हैं। दक्षिण कोरिया पहला देश है जिसने विस्तृत रूप में 5G को अपनाया है। सभी देश 5G इक्विपमेंट्स की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हुआवे ने 5G ऑपरेटर, 5G सामान को सप्लाई करने वाला, 5G टेक्नोलॉजी के ऑपरेशंस को सप्लाई करने वाला, उनके इक्विपमेंट्स को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा वितरक था। लेकिन चीन के साथ अमेरिका के व्यापार संबंधों में या खटास आने की वजह से चीन का ऐसा कहना है कि ब्रिटेन भी उसी के साथ दे रहा है, ब्रिटेन भी अमेरिका का साथ दे रहा है। ऐसे में ब्रिटेन ने भी हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया है कि उनका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी कोई भी कंपनी, कोई भी 5G इक्विपमेंट आपकी हुआवे से नहीं खरीदेगी। ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों के चीन की दूर संचार कंपनी हुआवे से 5G उपकरण लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी किसी कार्रवाई पर चीन के बदले की धमकी के बावजूद ब्रिटेन ने यह कदम उठाया है। चीन ने भी कहा अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेगा यह अभी तक चीन ने बताया नहीं है। ब्रिटेन के डिजिटल मंत्री ओलिवर डाउडून ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में बैठक के बाद यह घोषणा की है। प्रतिबंध के तहत 2020 के अंत से दूर संचार प्रदाता हुआवे से किसी भी तरह का 5G उपकरण नहीं खरीदा जाएगा। नए दिशा निर्देशों में बताया गया है कि ब्रिटेन के दूर संचार ऑपरेटरों को वर्ष 2027 तक अपनी अवसंरचना से चीन से आयातित 5G से संबंधित सभी उपकरण हटाने होंगे, नहीं तो उन्हें ब्रिटेन में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। हुआवे टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड दूर संचार उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता एक चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय शेंजेन गुआंगडोंग चीन में है। कंपनी की स्थापना 1987 में रेंग जेंगफे द्वारा की गई थी। मुख्यालय शेंजेन चीन में है। संस्थापक रेंग जेंगफे
बनाई गई थी 15 सितंबर 1987। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं तो सचिन अवस्थी को लंदन का प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड उनको दिया जाता है जो समाज में बदलाव करने के लिए समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं और समाज में कुछ ऐसा करते हैं जिससे जनमानस के हितों का बढ़ोतरी हो, जनमानस के हित पर काम हो। सचिन अवस्थी वही हैं जिन्होंने हरिद्वार से लेकर वाराणसी के बीच में 5 दिन की एक गंगा प्रदूषण मुक्त यात्रा निकाली थी, जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी तारीफ मिली थी। इसके अलावा वृंदावन में भी इन्होंने काफी ज्यादा काम किया, जो गोवर्धन पर्वत के चारों ओर जो कूड़ा फैला हुआ है उसको भी समेटने में इन्होंने काफी योगदान किया और कई सारे बच्चों, लगभग 1000 बच्चों को इकट्ठा किया और उसके जरिए इन्होंने उसको साफ सफाई की। इनका कहना है कि समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज में सुधार करने के लिए या समाज में सफाई फैलाने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर एक अच्छे इंसान को जगाना चाहिए। तो फिलहाल सचिन अवस्थी, जो कि इनको अभी हाल ही में मिला ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। सचिन यह अवार्ड पाने वाले 35 देशों के उन 100 अवार्डियों में से एक है जिन्होंने इसे विश्व स्तर पर चयनित किया गया है। सचिन को यह अवार्ड कोसोवो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम फातमीर सेजदियू, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम माधव कुमार नेपाल और एंडालूसिया स्पेन की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष पेंड्रो आई अल्टा मिरानो की उपस्थिति में लंदन में आयोजित एक वेबिनार के जरिए प्रदान किया जाएगा। पवित्र गंगा को प्रदूषण मुक्त करने से उद्देश्य हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सचिन अवस्थी की पत्र लिखकर प्रशंसा कर चुके हैं। तो ये सचिन अवस्थी से अब आपका परिचय हो गया है, इन्हें मिलेगा वर्ल्ड ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। एक पुल बनाया जा रहा है, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर के कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल बनाया है। यह पुल केबल पर आधारित होगा, 96 केबल इसमें लगाए जा रहे हैं जिनका सपोर्ट इसको मिलेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पिलर है। यह पुल लगभग आधा किलोमीटर लंबा है। यह पुल कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है, जिसे आप USBRL भी कह सकते हैं। USBRL प्रोजेक्ट में चेनाब नदी पर पुल भी शामिल है। चेनाब ब्रिज एक बार पूरा हो जाने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहां बन रहा है? USBRL प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अंजी खाद नाम का यह पुल लंबाई 473.25 मीटर है और इसमें एकल खंभा है, यानी कि केवल एक सिंगल पिलर दिया जाएगा, जो नदी के तल से 331 मीटर ऊंचा खड़ा है। इसमें 96 केबलों का सपोर्ट है और तेज हवाओं और भारी तूफान से संभालने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यह पुल पर विभिन्न स्थानों पर स्थापित कई सेंसरों के माध्यम से एकीकृत निगरानी प्रणाली बनाएगा। तो अंजी खाद नाम का पुल कहां बनाया जा रहा है? यह जम्मू के कटरा में बनाया जा रहा है। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? USBRL प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अगली जानकारी है रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा वेद प्रकाश दुदेदाज को 2020 का इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, जिसे RLDA भी कहा जाता है। उन्हें अवसंरचना विकास में दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। किसको सम्मानित किया जा रहा है? वेद प्रकाश दुदेजा को। कौन है ये RLDA के उपाध्यक्ष हैं। कैसे सम्मानित किया जा रहा है? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से। रेल भूमि विकास प्राधिकरण रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह वैधानिक निकाय और गैर टैरिफ उपायों की मदद से राजस्व अर्जित करने और भारतीय रेलवे के लिए आस्तियां जुटाने के लिए खाली पड़ी रेलवे भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए जिम्मेदार निकाय है। मतलब इसका काम यह है कि रेलवे के पास जो जमीनें हैं उनको किसी तरीके से इस तरीके से प्रयोग करना कि उससे कुछ अर्जन किया जा सके, उससे कुछ धन अर्जित किया जा सके। तो वेद प्रकाश दुदेजा चुने गए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से। अगली जानकारी है, बढ़िया खुशखबरी है कि भारत में पूर्ण रूप से तैयार निमोनिया की वैक्सीन के उत्पादन की अनुमति मिल गई है। अभी तक भारत अपनी खुद की निमोनिया वैक्सीन नहीं बनाता था, लेकिन उसमें कई सारे प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते थे वो विदेशों से आयातित किए जाते थे। ऐसे में अब भारत के पास जब खुद की निमोनिया वैक्सीन डेवलप हो रही है तो इसकी कमी नहीं पड़ेगी, कम से कम हर बच्चे को यह मौजूद होगी। निमोनिया एक बेहद खतरनाक रोग है। निमोनिया फेफड़ों से जुड़ी हुई एक बीमारी है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नामक निमोनिया नाम के जीवाणु द्वारा फैलती है। ये जीवाणु क्या करता है, ये जब शरीर में प्रवेश कर जाता है और इसके शिकार अक्सर 5 साल से कम उम्र के बच्चे या 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को होती है।
ये कहना गलत होता है कि ठंडी चीजें खाने से निमोनिया हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। ये निमोनिया जीवाणु की वजह से होता है, अगर ये शरीर में प्रवेश कर गया तो भले ही आपने ठंडी चीजें खाई हो चाहे ना खाई हो निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया बेहद खतरनाक बीमारी है। फेफड़ों में कई सारी हमारे पास वायु कोष की थैली होती है जिन्हें ऑविल कहते हैं, ऑलविल कहते हैं। ये ऑलविल जो होती है इसके अंदर हवा भरी रहती है। ये परजीवी जब प्रवेश कर जाता है तो उन थैलियों के अंदर, उन वायु कोष्ठकों के अंदर ये मवाद भर देता है, पस कर देता है, वहां पे तरल पदार्थ बन जाता है जिससे हवा का संचार नहीं हो पाता। और फेफड़ों में जो रक्त का प्रवाह होता है वो शरीर में किसी भी और अंग की अपेक्षा सबसे तेजी से होता है। जैसे ही ये जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश करता है फेफड़ों में संक्रमण फैलाता है और फिर ये जीवाणु फेफड़ों के संक्रमण के जरिए खून में प्रवेश करता है, फिर खून पानी होना शुरू हो जाता है, यानी कि खून की जो स्थिति है खून खत्म होना शुरू हो जाता है और यही वो स्थिति होती है जब रोगी की मृत्यु हो जाती है। निमोनिया के शुरुआती लक्षण में सांस लेने में तकलीफ, पसली चलना, तेज तेज सीटी जैसी आवाज आना और खांसी आना, ये सब निमोनिया के लक्षण है। निमोनिया के लिए वैक्सीन बनी, ये बढ़िया बात है। पुणे स्थित एक इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है। तो हाल फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी है कि देश में निमोनिया का एक टीका विकसित किया गया है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन का पूरा डेवलपमेंट हमारे देश में ही किया गया है। DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आपको बताना है कौन है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यही है कि भारत के DGCI कौन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत के कौन है। ये आंकड़ों की समीक्षा की और इसके बाद न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट, ये टीके का नाम होगा, न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट टीके को बाजार में उतारने की अनुमति दी है। निमोनिया की अगर हम बात करें तो जीवाणु द्वारा होने वाले निमोनिया की दवा तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन COVID-19 की वजह से लोगों को फेफड़े संबंधित जो बीमारी हो रही है वो वायरस से होने वाला निमोनिया है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि निमोनिया किससे होता है तो निमोनिया वायरस से भी हो सकता है और निमोनिया आपका जीवाणु से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है। तो निमोनिया की अगर हम बात करें जो अभी तक है देश के अंदर, जिसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहा जाता है, वो जीवाणु के द्वारा होता है, लेकिन COVID-19 के जरिए भी एक निमोनिया हो रहा है जिसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। फिलहाल ये टीका इंजेक्शन की मदद से लगेगा और यह टीका इंस्ट्रा मस्कुलर यानी कि पेशियों में लगाया जाने वाला टीका होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार निमोनिया के क्षेत्र में यह पहला विदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है। वैक्सीन का नाम याद रखेगा, न्यूमोकोकल पॉलीसेक्रेट कॉन्जुगेट टीका। अगली जानकारी है, जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था, मुकेश अंबानी बन गए हैं विश्व के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति। इस सूची में पहले स्थान पर अमेज़न के जेफ बेजोस हैं, और अभी तक वो पहले स्थान पर ही बने हुए हैं। तो मुकेश अंबानी इस सूची में यानी कि टॉप 10 की सूची में आने वाले एकमात्र एशियाई हैं। इन्होंने सर्गेई बिन और लैरी पेज को भी पीछे छोड़ दिया है, इवन एलन मस्क को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग ब्लेनेरियन इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हाल ही में दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पिछले हफ्ते इनका जो मार्केट कैप था, रिलायंस का मार्केट कैप था, वो भारत में 35,000 करोड़ के आसपास का था और कल की डेट में ये 12,00,000 करोड़ के आसपास बना है, यानी कि एक महीने के अंदर इनकी संपत्ति कई गुना बढ़ रही है। और जिस तरीके से रिलायंस के शेयर उछाल पा रहे हैं, हर व्यक्ति रिलायंस में इन्वेस्ट करता चला जा रहा है। और यही होता है, जब मार्केट किसी के पीछे चलती है तो वो कब अमीर बनेगा, कब वो कहां पहुंचेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसा ही कुछ रिलायंस के साथ हुआ। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आपको जरूर पता होगा कि अभी हाल ही में इन्होंने अपने शेयर बेचकर 1.8 लाख यानी कि 1.8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है और अपने आप को देश की पहली कर्ज मुक्त कंपनी बना लिया है। मुकेश अंबानी ने हाल ही में इस स्थिति तक पहुंचने के लिए स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क, स्पेसएक्स पहली ऐसी कंपनी है जो अंतरिक्ष में मानव भेजने वाली है, प्राइवेट कंपनी, अल्फाबेट के सह संस्थापक सर्गेई बिन और लैरी पेज को भी पार कर लिया है। पिछले हफ्ते उन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया था। मुकेश अंबानी की संपत्ति अब 72.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में इस समय पहले स्थान पर अमेज़न के CEO जेफ बेजोस हैं, जिनकी कुल संपत्ति 184 अरब डॉलर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है बिल गेट्स, इनकी कुल संपत्ति 115 अरब डॉलर है। तीसरे स्थान पर है 94.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ बर्नार्ड अर्नॉल्ड, और चौथे स्थान पर 90.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, और पांचवें स्थान पर है 74.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इश्ले बामरा। तो मुकेश अंबानी बन गए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में 6वें स्थान पर। क्वाई झोउ 11, गौर से देखा जाए तो एशिया में दो देश ऐसे हैं जो अंतरिक्ष उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें से एक के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, वो है भारत। भारत ने अब तक लगभग 297 उपग्रहों को
भेजा है जो कि दूसरे देशों के रहे, और ऐसे में बड़ी तेजी के साथ भारत ने डेवलपमेंट किया है और इस चीज में चीन प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, लेकिन इसमें हम कहीं उससे आगे हैं। चीन के इसी प्रतिस्पर्धा में देखा जाए तो हाल ही में कुई झोऊ का मतलब होता है तेज जहाज। एक चीनी रॉकेट उड़ा, खराब हो गया, अब चाइना का माल है, कितनी देर चलेगा, खराब हो गया, जिसके कारण अंतरिक्ष में ले जा रहे दो उपग्रह भी नष्ट हो गए। चीनी भाषा में कोई झोंका तो होता है तेज जहाज होता है, या काम एक कम लागत वाला ठोस ईंधन वाला रॉकेट था। इस चीनी रॉकेट का वाणिज्यिक लॉन्च फर्म एक्सपेस द्वारा संचालित किया गया था। चीन ने अपने यहां जो स्पेस से जुड़े हुए कार्यविधि है, उद्योग धंधे हैं, उनको फ्री कर दिया है, मतलब कि उसमें सरकारी औचित्य नहीं रह गया, और इस तरीके से वहां पर कई सारी कंपनी सामने आई, उनमें से एक कंपनी आई है फर्म एक्सपेस। लैंड स्पेस भी एक है, गौरतलब है कि इसे 2018 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। इसे KZ-11 के रूप से भी जाना जाता है। इसमें 70.8 टन की वहनी भार क्षमता थी और इसे पृथ्वी के निचली एवं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया। तो अब चीनी रॉकेटों को थोड़ा सा और ज्यादा सक्षम होना पड़ेगा अगर उन्हें इस व्यापार में बने रहना। आगे आने वाले समय पर वही देश ज्यादा तरक्की कर पाएगा जिसके पास अंतरिक्ष व्यापार होगा, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जिनके पास अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी सही ढंग की नहीं है। अगर देखा जाए तो इस मामले में सबसे आगे है अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो कई सारे देश वहां पर आएंगे। भारत का स्थान भी आप तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, इन स्पेस द्वारा निजी कंपनियों को अवसर प्रदान करने के लिए स्वीकृति देने की बात की गई है। यह है भारत द्वारा अंतरिक्ष उद्यमिता में उठाए गए हाल के कदम। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एनसिल या एनसिल कह सकते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक नव निर्मित वाणिज्यिक शाखा है जो कि आपके सैटेलाइट लॉन्चिंग से जुड़ी हुई चीजों को संभालेगा, या दूसरा एंट्रिक कॉरपोरेशन के बाद इसरो की दूसरी व्यावसायिक शाखा है। एंट्रिक कॉरपोरेशन मुख्य रूप से 1992 में शुरू किया गया था और इसके जरिए इसरो विदेशी उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण की सुविधा हेतु स्थापित किया गया था। यानी भारत के पास दो ऐसी कंपनियां हैं जो दूसरे देशों से लिए गए उपग्रहों को प्रक्षेपित करती हैं, एक एंट्रिक्स है और एक एनसिल है। इसरो वैश्विक स्तर पर कई मोर्चों में अंतरिक्ष मिशनों के लिए कम लागत में मिशन पूरा करने के लिए अग्रणी संस्थान है, और आपको पता है कि हमारा देश सबसे सस्ते दरों पर, यानी कि सबसे कम दरों पर सैटेलाइट का प्रक्षेपण करता है। चीन के जो अन्य महत्वपूर्ण मिशन है उनमें से सबसे पहला था Tianwen-1। चीन का यह मंगल मिशन जुलाई 2020 तक शुरू किया जाएगा। चीन का पिछला Hinghu-1 मंगल मिशन, जिसे रूस द्वारा समर्थन दिया गया था, वर्ष 2012 में विफल हो गया था। Tianwen-1 में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट क्या है? इसे एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए चीन के सफल कदमों के रूप में जाना जाता है। एक और चीज है Tiangong। वर्ष 2022 तक चीन अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने का काम कर रहा है। चीनी भाषा में Tiangong का मतलब होता है हेवनली प्लेस। तो ये ऐसे कुछ योजनाएं हैं जो चीन द्वारा अभी हाल ही में संचालित की जा रही हैं। अगली जानकारी तो चले तो ऑपरेशन मुस्कान, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों ने गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। इसका जो अभियान है, लापता बच्चों का पता लगाना, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी को रोकना और घरेलू कामों में लगे बच्चों को बचाना है। तो यह अभियान कौन शुरू कर रहा है? आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान। अब बारी है आंध्र प्रदेश के करंट अफेयर्स की। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अभी हाल ही में एक प्रपोजल पास किया था विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल को अपनी 3 राजधानियां बनाने के लिए। YSR जगनमोहन रेड्डी ने अभी हाल ही में YSR आरोग्यश्री स्कीम शुरू की है एलुरू आंध्र प्रदेश में, ताकि लोगों को फ्री में इलाज उपलब्ध कराया जा सके। और आंध्र प्रदेश के सीएम ने अभी हाल ही में 6,318 करोड़ रुपए की जगन्ना अम्मा बोडी योजना स्कीम शुरू की, ताकि जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। पहली बार विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ने 14वां ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2021 कैपिटल अमरावती में शुरू किया। आंध्र प्रदेश जो है ये इंडिया का पहला ऐसा राज्य है जिसने फ्रूट ट्रेन शुरू की थी। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन आंध्र प्रदेश से चलाई गई। YSR पेंशन कनकवा योजना एक डोर स्टेप योजना है, यानी कि जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती है उनको पेंशन घर घर पहुंचाना। और इसमें सबसे बड़ी बात यह की गई है कि इसमें 65 साल से जो पेंशन मिलना शुरू होनी थी वो 60 साल से मिलना शुरू हो जाएगी। एपीसीएम आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने अभी हाल ही में नाडू नेडू नाम की एक स्कीम शुरू की है, जो कि मॉडर्नाइजिंग हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल के नवीनीकरण या उनको और बेहतर बनाने के लिए योजना है। सीएम जगनमोहन रेड्डी द्वारा अभी हाल ही में एपी का पहला दिशा, यानी आंध्र प्रदेश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन जो है वो राजा महेंद्र वर्मम में शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश जो है ये पहला ऐसा राज्य है
ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन में पोषण अभियान, यानी कि कुपोषण को दूर करने के लिए ये जो अभियान शुरू किया गया था पोषण, उनको इंप्लीमेंटेशन करने में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। जबकि आंध्र प्रदेश सीएम ने अभी हाल ही में निगाह नाम का एक ऐप शुरू किया है ताकि जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस होती है, यानी कि जो चुनाव में धांधली हो जाती है, उसको रोकने के लिए 25 लाख गरीब लोगों को घर देने के लिए, घर की जमीन देने के लिए नवरत्नलु पेदनाल देकी इल्लू प्रोग्राम शुरू किया गया था। चीफ मिनिस्टर येदुगुरी संदिंती जगनमोहन रेड्डी ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंदन इंडियन रोलर स्टेट बर्ड है, स्टेट एनिमल ब्लैक बक यानी काला हिरन जिसे चिंकारा भी आप कह सकते हो, स्टेट ट्री नीम का पेड़ है। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें आंध्र प्रदेश से आपको देखने को मिलेंगी। अगली जानकारी की तरफ चलेंगे, ये हिंदी में न्यूज है रहेगी आपकी। अगली जानकारी है शुद्ध यूवी सैनिटाइजर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने शोधकर्ताओं के ने कमरे को कीटाणु रहित बनाने के लिए शुद्ध अल्ट्रा वॉयलेट सैनिटाइजिंग उपकरण विकसित किया है। इसका पूरा नाम स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वॉयलेट डिस इन्फेक्शन हेल्पर है। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह डिवाइस मात्र 15 मिनट में 10x10 वर्गफुट कमरे को कीटाणु रहित बनाने में सक्षम है। या एक एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से अपने स्मार्टफोन के जरिए उपकरण को चालू अथवा बंद कर सकते हैं और इसकी गति और स्थान को दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है। शुद्ध में 15 वाट की 6 UV लाइट लगी हुई है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से ही दूर से ही नियंत्रित किया जा सकते हैं। तो शुद्ध यूवी सैनिटाइजर किसने डेवलप किया है, अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर किसने डेवलप किया है, आईआईटी कानपुर ने। अगली जानकारी है ईरान के बारे में, जब से अभी कुछ दिन पहले मैंने खुद भी आपको खबर दी थी और पूरे मीडिया में यह खबर फैली हुई थी कि ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, लेकिन ऐसे में कल एक और खबर आई जिसमें ईरान ने मना करते हुए ये बोला कि ईरान ने हाल ही में चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट से भारत को बाहर किए जाने वाली खबरों का खंडन किया। ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के फरद मंताजिर ने कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया कि चाबहार में निवेश के लिए ईरान ने भारत के साथ केवल 2 समझौते पर साइन किया है, एक पोर्ट की मशीनरी और उपकरणों के लिए और दूसरा भारत के $150 मिलियन के निवेश को लेकर है। कुल मिलाकर उन्होंने स्पष्ट किया कि चाबहार में ईरान भारत के सहयोग पर किसी तरह के कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। तो ऐसे में ये न्यूज झूठी साबित हुई। अगली जानकारी तरफ चलते हैं। अब किस देश ने अपने हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क से हुआवे पर प्रतिबंध लगाने के लिए बात की है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम। हुआवे से कुछ नहीं खरीदेंगे। ब्लूमबर्ग ब्लिनियर इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का 6ठा सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, तो वह है मुकेश अंबानी। रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े प्रज्ञाता दिशा निर्देशों को जारी किया है। एशियाई विकास बैंक ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को 15 जुलाई 2020 से उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। सचिन अवस्थी को लंदन में प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। और हाल ही में चीन का क्वी झोई नाम 11 नाम का रैकेट उड़ने के दौरान खराब हो गया और 2 सैटेलाइट भी बेकार हो गए। किसको स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ब्रेटली को। नॉट इंपॉर्टेंट, आप इसे वन लाइनर में ही पढ़ लें। स्पोर्ट्स अड्डा ने अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ब्रेटली को। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में एक पुल का उद्घाटन करने की बात की है और वो है अंजी खात पुल। ये देश का पहला केबल स्टे रेलवे पुल है। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा को। DCGI ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पहले पूर्ण रूप से विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट टीके को निमोनिया के टीके के रूप में मंजूरी दे दी है। चाबहार जहादान रेलवे प्रोजेक्ट ईरान और भारत के बीच चल रहा है। किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने कमरे को कीटाणु रहित बनाने के लिए शुद्ध नाम का एक यूवी सैनिटाइजर बनाया है, तो वो है आईआईटी कानपुर। अब बारी है आज के क्विज की। DCGI ने पहले पूर्ण रूप से किस विकसित टीके को अभी हाल ही में मंजूरी दी है, तो वो है आपका न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुकेट वैक्सीन। किस देश ने अपने हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क से हुआवे पर प्रतिबंध लगाने का बात की है, यानी कि किसी तरीके का कोई भी सामान हुआवे से नहीं खरीदा जाएगा, वो है यूनाइटेड किंगडम। यूएसए भी इस तरह का प्रतिबंध लगा चुका है। ब्लूमबर्ग ब्लिनियर इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया के सबसे 6ठे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, तो वो है मुकेश अंबानी। देश में ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े प्रज्ञाता दिशा निर्देशों को किसने जारी किया है, वो है रमेश पोखरियाल निशंक, मानव संसाधन विकास मंत्री।
एशियाई विकास बैंक ने चुनाव आयुक्त, किनका नाम है, अशोक लवासा को एडीबी का डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष बनाया है। किनको भी हाल ही में लंदन में प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा तो वो है सचिन अवस्थी। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है तो वो है आंध्र प्रदेश सरकार। हाल ही में चीन का क्विझोउ 11 नामक रॉकेट उड़ गया मतलब नष्ट हो गया उड़ान के दौरान। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल बनाया, उसका नाम क्या है, अंजी खाद ब्रिज। किसको स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो वह है ब्रेटली। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा किसको साल 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो वो है वेद प्रकाश डुडेजा, आरएलडीए के अध्यक्ष। चबहार जहाजान रेलवे प्रोजेक्ट किसके बीच है, भारत और ईरान के बीच का संबंध है, प्रोजेक्ट है ये। किस संस्था ने शोधकर्ताओं ने कमरे को कीटाणु रहित बनाने के लिए शुद्ध नाम का एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर बनाया है तो वो है आईआईटी कानपुर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच।